हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर ईआर 2020 के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4। इसके पहले लेक्चर में हमने फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 डिस्कशन किया था, यानी फार्मास्यूटिकल ऐड के बारे में, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और उसका नोट्स हमारी वेबसाइट www.notescard.com पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस डिस्कशन के बारे में। सिलेबस डिस्कशन के बारे में अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें हमें डिस्कशन करना है यूनिट ऑपरेशन, यानी डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन, प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। यानी कि उसमें जो भी इक्विपमेंट दिए हैं या जो भी मशीनें दी हैं उसकी हमें प्रिंसिपल बतानी है, कंस्ट्रक्शन बतानी है, वर्किंग बताना है और उसके क्या क्या यूजेज हैं उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो कई पार्ट में जो हमारा ये चैप्टर है ये कई पार्ट में हमने डिवाइड किया है जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। इसको हमने यूनिट वाइज कर रखा है और हम इसको यूनिट वाइज ही पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट है साइज रिडक्शन, यूनिट नंबर 2 है साइज सेपरेशन और यूनिट नंबर 3 है मिक्सिंग, यूनिट नंबर 4 फिल्ट्रेशन, यूनिट नंबर 5 ड्राइंग और यूनिट नंबर 6 एक्सट्रैक्शन। अगर हम देखें तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक ये क्या है, एक तरह से सीरियल प्रोसेस है। सीरियल प्रोसेस कैसे, सबसे पहले आप लोगों को साइज रिडक्शन करना होता है। कोई भी क्रूड ड्रग या क्रूड मटेरियल है उसका आप क्या करेंगे, साइज रिडक्शन करेंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद उसको क्या करेंगे, प्रॉपर उसकी मिक्सिंग करते हैं। यानी कि अगर एक मटेरियल है उसको दूसरे ड्रग के साथ अगर मिक्स करना है तो उसे क्या बोलेंगे, हम मिक्सिंग बोलेंगे। उसके बाद फर्दर फिल्ट्रेशन कर लेंगे उसको, फिल्ट्रेशन करने के बाद उसको ड्राइंग कर लेंगे और ड्राइंग करने के बाद जो भी हमें फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बनाना होगा, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप वगैरह, उसमें हम मिक्स करके उसे बना लेंगे। तो ये हो गया सिलेबस डिस्कशन के बारे में, हमें ये चीज पढ़ना है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट हमारा है साइज रिडक्शन। तो चलिए बात करते हैं साइज रिडक्शन के बारे में। द टर्म साइज रिडक्शन इज अप्लाइड टू वे इन विच पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर कट आर ब्रोकन इन टू स्मॉलर पीसेस। साइज रिडक्शन इज नेसेसरी इफ द स्टार्टिंग मटेरियल इज टू कोर्स एंड फाइनल प्रोडक्ट नीड टू बी अ फाइन पाउडर। तो सबसे पहले बात करें साइज रिडक्शन होता क्या है। साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज पार्टिकल्स को या लार्ज मटेरियल को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लार्ज मटेरियल को स्मॉल पीसेस में कट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई क्रूड ड्रग निकालनी है, एलोवेरा ही मान लीजिए, एलोवेरा से हमें अगर जूस निकालना है तो डायरेक्ट एलोवेरा के पौधे से हम जूस नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए उसको हम पहले छोटे छोटे पीसेस में करेंगे, उसके बाद उससे हम एक्सट्रैक्ट को निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, साइज रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, साइज रिडक्शन इज नेसेसरी इफ द स्टार्टिंग मटेरियल इज टू कोर्स एंड फाइनल प्रोडक्ट नीड टू बी फाइन पाउडर। और साइज रिडक्शन हमें कब कराना पड़ता है, कब, जबकि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल यानी जो भी हमारा क्रूड मटेरियल है वो क्या हो, कोर्स हो, यानी कि खुरदुरा हो, ठीक है। कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा हो या हार्ड मटेरियल हो, उसको फाइनल प्रोडक्ट जो हमें बनाना है यानी फाइनली उसको अगर हमें फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है तब हमें क्या करना पड़ता है, साइज रिडक्शन करना पड़ता है। तो अब सबसे इसकी बात अगर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन, यानी कि साइज रिडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्यों हम साइज रिडक्शन करेंगे, ये सारी चीजें समझते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट है टू इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सर्टन फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म सच एज सस्पेंशन, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिक्रीजेस टू लार्ज एक्सटेंट बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग। तो साइज रिडक्शन सस्पेंशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप सभी लोगों को पता होता है सस्पेंशन किसका, किस चीज का, यानी कि दो बाइफेजिक होता है, क्योंकि एक पार्टिकल मटेरियल होता है और एक लिक्विड मटेरियल होता है, दोनों को जब एक साथ मिक्स किया जाता है तो उससे बनता है सस्पेंशन। अब सस्पेंशन में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, सेडिमेंट, यानी कि नीचे उसका सेडिमेंटेशन होता रहता है, यानी कि वो क्या होते हैं, उनका वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। वेट ज्यादा होने के कारण वो क्या करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। इजिली डिजॉल्व तो होते नहीं है, तो वो उस टाइप की जो ड्रग होती है वो नीचे सेडिमेंट हो जाती है, ठीक है। तो अब सस्पेंशन में हम क्या करेंगे, अगर साइज रिडक्शन जितना ज्यादा कर देंगे, ठीक है, साइज रिडक्शन जितना ज्यादा कर देंगे तो वाटर में उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। अगर उतना ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सेडिमेंट नहीं करेगा, और सेडिमेंट नहीं करेगा तो हमारा जो भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म होगा वो इफेक्टिवली वर्क करेगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कभी भी कोई सस्पेंशन हो, सस्पेंशन आप लोगों ने देखा होगा उस पर लिखा होता है
चेक वेल बिफोर यूज। क्यों लिखा होता है? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए हैं, सेडिमेंट हो चुके हैं। अगर सेडिमेंट हो चुके हैं, अगर आप उसको सेक नहीं करेंगे तो जो भी हमारा डोजेज फॉर्म होगा वो आपके बॉडी को पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, और आपकी बॉडी को पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा तो ड्रग काम नहीं करेगी। कभी कभी बच्चों में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी आप लोग बच्चों को, डॉक्टर बच्चों को दवाइयाँ दे देते हैं तो वो फिर आके नेक्स्ट डे बोलते हैं कि आप डॉक्टर साहब आपने जो बच्चे को दवाई दी थी उसने वर्क नहीं किया। वर्क नहीं करने का कारण ये भी हो सकता है कि आपने जो दवा पिलाई है या जो भी मेडिसिन आपने, अगर कोई सस्पेंशन पिलाया है, उसे आपने सेक नहीं किया हो। ये बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है। इसलिए सस्पेंशन कभी भी, आप फार्मासिस्ट हैं, कभी भी कोई सस्पेंशन देखिए तो आप उसको पहले ही आप उसको बता दीजिए कि इस सस्पेंशन को आप चेक करके पीजिएगा, क्योंकि जो भी इसके पार्टिकल है वो सेडिमेंट हो जाया करते हैं। अगर सेडिमेंट हो जाया करेंगे तो ये जो डोजेज होगी, यानी कि जो ये ड्रग होगा, आपकी बॉडी को नहीं मिल पाएगा और ये इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस इसका ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट हम बात करें, हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन बिकॉज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल साइज। फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा कब होगा, जब आपकी जो साइज है वो स्मॉलर होती चली जाएगी। जब पार्टिकल साइज है, जितना ज्यादा स्मॉलर होगी उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन रेट होगा। इसलिए साइज रिडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग द स्मॉलर पार्टिकल साइज द ग्रेटर इन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अभी हमने आप लोगों को बताया कि जितना ज्यादा साइज रिड्यूस होगा, यानी कि जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा वो वाटर में सोल्यूबल होगा, और वाटर में सोल्यूबल होगा, ठीक है, उतना ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन रेट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, टू इंक्रीज द रेट ऑफ सोल्यूशन इन केस ऑफ द केमिकल सबस्टांसेस वी कम रिडक्शन ऑफ द पार्टिकल साइज इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द एक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि जितना ज्यादा आपका मटेरियल जो होगा वो स्मॉल पार्टिकल्स में होगा उतना ज्यादा वो सॉल्वेंट के साथ घुल जाएगा, और सॉल्वेंट के साथ घुल जाएगा तो हम इजिली उसको क्या करेंगे, ड्रग प्रिपेयर कर लेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोग उसका आंसर सोचिएगा। आप लोगों को अगर एक चौक दे दी जाए, यानी कि एक चौक दे दी जाए, आप जनरली आप लोगों ने चौक देखा होगा, ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला जो चौक होता है, चौक की जो भी सरफेस एरिया हो, जितना बड़ा चौक हो, ठीक है, उसको हमने क्या किया, उसको कोर्स पाउडर में, उसको हमने पाउडर बना लिया, ठीक है, उसको हमने पाउडर बना लिया और दोनों की एक जगह हमने इकट्ठा करके रख दिया, वहां एक तरफ चाक को रख दिया, एक तरफ उसको पाउडर को रख दिया। अब आप बताइए किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें, ठीक है, किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो उसमें ऑब्वियस ही बात है कि उसमें जो पाउडर हो गए उसके सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है, उसका सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा होगा। पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट भी ज्यादा होगा। अगर एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होगा तो वो ज्यादा इफेक्टिवली हमारे मेडिसिनल प्रोडक्ट में वर्क करेगी। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ड्यू टू साइज रिडक्शन वी आर डिजाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग डोजेज फॉर्म टेबलेट कैप्सूल सस्पेंशन एंड इमल्शन। अगर हमारा साइज रिडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम इजिली किसी भी ड्रग को डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि ड्रग डोजेज को डिजाइन कर सकते हैं, जैसे टैबलेट कैप्सूल सस्पेंशन एंड इमल्शन, ठीक है। आप लोगों को इंपॉर्टेंस अच्छी तरह से समझ में आया साइज रिडक्शन का। ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसमें जो मशीनरी दे रखी गई है, जो इक्विपमेंट दे रखे गए, वो बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, और जनरली कभी कभी साइज रिडक्शन के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग साइज रिडक्शन। ये तो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, साइज रिडक्शन, फैक्टर इफेक्टिंग साइज रिडक्शन कई बार क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि अगर हम सिलेबस से मैच कराएं तो सिलेबस में जो ड्यूरेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग तो ज्यादा कुछ उसमें लिखना है नहीं, लेकिन आप लोगों को फिर भी मैं बता देता हूं, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है आप लोगों के प्रीवियस ईयर में, जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी उसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऑनलाइन जो क्वेश्चन हुए थे उसमें भी कई क्वेश्चन इससे आ चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर साइज रिडक्शन में पूरा कंप्लीट बताया जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको पूरा देखिएगा। इसमें हमने पूरा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रखा है, इसको हमने नोट्स में मेंशन कर रखा है। आप हमारी वेबसाइट directnotescard.com पे जाके इसका नोट्स कॉपी कर सकते हैं, वहां से उसको पढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो सबसे पहला इसका फैक्टर इफेक्टिंग है हार्डनेस एंड टफनेस। हार्डनेस और टफनेस साइज रिडक्शन को फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा? तो हार्ड, अगर कोई मटेरियल बहुत ज्यादा हार्ड होगा या बहुत ज्यादा टफ होगा तो साइज रिडक्शन करने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट,
मटेरियल स्ट्रक्चर, मटेरियल की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। अगर मटेरियल मटेरियल स्ट्रक्चर यानी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की स्ट्रक्चर पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का साइज रिडक्शन प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट अगर ज्यादा मॉइस्चर होगा तो उसका अगर आप साइज रिड्यूस करेंगे तो वो कैसे नहीं होगा, साइज रिड्यूस जल्दी नहीं होगा क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट है और जो भी मॉइस्चर कंटेंट चीजें होती है जल्दी से वो टूटती नहीं है। जैसे मान लीजिए आप मिट्टी ले लीजिए, अब मान लीजिए कोई सूखी मिट्टी है, सूखी मिट्टी ही ले लीजिए, सूखी मिट्टी को अगर आप इजिली तोड़ेंगे उसको अगर उस पर किसी चीज से क्रश करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। लेकिन वही अगर गीली मिट्टी है तो गीली मिट्टी से अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है, वो टूटेगा नहीं। तो इस प्रकार वो मॉइस्चर कंटेंट भी यानी इफेक्ट करता है हमारे साइज रिडक्शन प्रोसेस को। नेक्स्ट अगर बात करें स्टिकनेस, स्टिकनेस का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई ऑयली मटेरियल है, ऑयली मटेरियल है, अगर ऑयली मटेरियल है तो वो इजिली क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। वो क्या होगा, जिस भी चीज से आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं उस पर क्या होगा, वो चिपक जाया करेगा। अब चिपक जाया करेगा तो आप उसको इजिली ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अब मिट्टी का एग्जाम्पल ले लिए, मिट्टी स्टिकनेस भी होती है, अगर आप किसी चीज से उसको तोड़ रहे हो, सूखी मिट्टी है तो इजिली तो टूट जाएगी पार्टिकल्स में, लेकिन अगर गीली मिट्टी है तो वो टूटेगी नहीं, वो उस मटेरियल जिससे आप उसको क्रश कर रहे हैं उस पर जाके वो चिपक जाएगी, ठीक है। तो एक तो मॉइस्चर कंटेंट भी और स्टिकनेस भी, दोनों एक ही एग्जाम्पल से क्लियरिफाई हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, यानी कि सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, कोई मटेरियल होता है, किसी मटेरियल को थोड़े से टेम्परेचर की जरूरत होती है, अगर उसको आप टेम्परेचर नहीं दोगे तो वो टूटेगा जल्दी नहीं। तो इसलिए सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, कोई मटेरियल है उस बहुत ही हार्ड मटेरियल है, उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है, हीट देंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। आप जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपने देखा होगा कच्ची मूंगफली, मूंगफली देखी होगी, कच्ची मूंगफली जो होती है उसको थोड़ा अगर वो पूरी तरह से मैच्योर हो गई है, मूंगफली मैच्योर है, अगर कच्ची है उसको तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अगर उसी को थोड़ा सा उसको रोस्ट कर दिया जाए, उसको भून दिया जाए, भूनने के बाद अगर उसको आप तोड़ेंगे तो इजिली टूट जाएगी। अब कभी भी देख लीजिएगा इसको करके, आप लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि जो कच्ची मूंगफली होती है उसमें मॉइस्चर भी होता है, और मॉइस्चर होने के कारण वो क्या करता है, जल्दी टूटता नहीं, वो क्या होता है, चिपक जाती है, उसकी लेयर चिपक जाती है या टूटते नहीं है। तो इस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं, इजीली एग्जांपल से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें प्योरिटी रिक्वायर्ड, अगर साइज रिडक्शन में प्योरिटी नहीं होगी तो वो जल्दी टूटेगा नहीं। मान लीजिए कोई एम्प्योरिटी मिल जाती है, कोई सब्सटेंसेस है, कोई मेटल है या कोई क्रूड ड्रग है, मान लीजिए हम किसी क्रूड ड्रग को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट का हमने क्या किया, ले लिया, उसको हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। अगर वो प्योर फॉर्म नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो जल्दी टूटेगा नहीं। अब जैसे मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए गोल्ड ही ले लीजिए, गोल्ड आप क्या करते हैं, निकालते हैं माइन से, यानी कि खदानों से निकाला जाता है ना गोल्ड, गोल्ड को निकाला जाता है, अगर वो प्योर फॉर्म हो, प्योर फॉर्म हो तो इजिली वो निकल जाएगा वहां से, इजिली उसको सेपरेट कर लिया जाएगा। लेकिन वो क्या होता है, प्योर फॉर्म नहीं होता है, उसमें क्या इंप्योरिटीज मिली होती है। अब इंप्योरिटीज मिली होती है तो उसको कई प्रोसेस के द्वारा क्या किया, क्या करना पड़ता है, उसको प्योर करना पड़ता है, उसके बाद उसको साइज रिड्यूस करके उसको क्या किया जाता है, प्रॉपर मॉडलिंग दी जाती है। तो ये हो गया क्या, प्योरिटी रिक्वायर्ड। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ड्रग का साइज रिडक्शन, अब ये भी याद रखना होगा कि किसी ड्रग का साइज रिडक्शन इतना भी ना कर दिया जाए या इतना कम भी ना कर दिया जाए या इतना ज्यादा भी ना कर दिया जाए कि उसकी जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो ही चेंज हो जाए, ठीक है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वही चेंज हो जाए। नेक्स्ट अगर बात करें रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज, अब इस पर भी डिपेंड करता है, कोई मान लीजिए मशीन यूज कर रहे हैं तो उस पर कितना फीड साइज यानी कितना हमें मटेरियल को डालना है उसमें और कितना उससे बाहर निकलेगा, ठीक है, यानी कि कितना प्रोडक्ट हमने उसमें किसी ड्रग को मान लीजिए किसी मिल में हमें डालना है। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं राइस मिल का, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप गांव एरिया से अगर बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा जो राइस मिल चलती है उसमें क्या होता है, धान को उसमें डाला जाता है, उसके बाद चावल निकाला जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने धान की क्वांटिटी को जो हॉपर होता है उसका उसमें धान को रखा, अब धान की मात्रा ज्यादा हो जाएगी उसमें, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगी, मशीन खराब हो जाएगी या तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, तो जो भी आपका चावल होगा वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कितना हॉपर में मटेरियल को डालना होगा और कितना बाहर मटेरियल आना चाहिए ये सारी चीजें भी डिपेंड करती है, उसका रेशियो भी डिपेंड करता है उस चीज पे,
ठीक है, इसलिए उसमें क्या दिया होता है, उस मशीन में एडजस्टर एक दिया होता है, उससे आप एडजस्ट करते हैं, मटेरियल को एडजस्ट किया जाता है। तो ये हो गया फैक्टर इफेक्टिंग साइज रिडक्शन। आई होप आप सभी लोग जो फैक्टर इफेक्टिंग जो है वो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आया होगा। इसकी जो भी लैंग्वेज है आप लोग हमारे नोट्स notescard.com पे मिल जाएगी, वहां से आप उस लैंग्वेज को कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं हम, मेथड ऑफ साइज रिडक्शन। मेथड कौन कौन से यूज किए जाते हैं साइज रिडक्शन में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेनली इसके कितने मेथड होते हैं, तो 4 मेथड होते हैं मेनली। एक होता है तो एक दो मेथड का कॉम्बिनेशन होता है, तो मेनली 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है कटिंग, दूसरा मेथड होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है इंपैक्ट, फोर्थ होता है एट्रिशन, और लास्ट वन होता है कंबाइंड इंपैक्ट एंड एट्रिशन, जिसमें इंपैक्ट और एट्रिशन दोनों ही क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो कटिंग की अगर बात करें, द मटेरियल इज कट ऑन अ स्मॉल स्केल बाय मींस ऑफ अ शार्प ब्लेड नाइफ रूट कटर और अदर एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट। ऑन लार्ज स्केल अ कटर मिल इज यूज्ड, कटिंग ऑफ द ड्रग इज यूज्ड डन बाय हासन द ड्राइंग ऑफ द ड्रग्स। कटिंग क्या होता है, कटिंग नाम से ही पता चलता है किस चीज को कट करना। अब कटिंग का मतलब चाय मत समझ लेना यार कि सर एक कटिंग बना दो, ऐसा नहीं है। वो चाय मैंने कटिंग नहीं बोल रहा हूँ, ये कटिंग का मतलब ये हुआ कि किसी मटेरियल को या किसी भी क्रूड ड्रग को कट करना। नहीं तो बहुत लोग समझ रहे हैं सर कटिंग बोल रहे हैं, नहीं चाय का मतलब कटिंग, नहीं नहीं उसका मतलब नहीं है, समझो दोस्तों ये उसका मतलब नहीं है। यहाँ पे कटिंग से मतलब ये है कि किसी भी ड्रग को क्या करना है, कट करना है, यानी स्मॉलर पार्टिकल में कट करना है। चलिए इसको समझते हैं कटिंग का मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए मिक्सर का आप एग्जांपल ले लीजिए, ग्राइंडर आप लोगों ने देखा होगा, ग्राइंड करने के लिए जो भी मिक्सर मशीन आती है उसको देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसमें क्या होता है, किसी भी मटेरियल को मान लीजिए आपको पेस्ट बनाना है, सपोज डेट आप लोगों को पेस्ट बनाना है, आप सब्जी बना रहे हैं तो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है आप लोगों को, ठीक है। अब अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना है तो क्या आप डायरेक्ट उसको अदरक और लहसुन डाल देंगे उसमें तो पेस्ट बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप उसको क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे पार्टिकल में कट करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल को कट करके उसमें क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे और उसके बाद मशीन को ऑन कर देंगे तो आपका अदरक और उसका पेस्ट बन जाएगा, इजिली बन जाएगा। अगर उसको मशीन में अगर ऐसे ही अदरक को रख देंगे या लहसुन को रख देंगे तो आपकी मशीन हो सकती है खराब भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है, किसी भी ड्रग को, इसी प्रकार किसी ड्रग को क्या करना होता है, उसको निकालना होता है, सबसे पहले उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालना होता है या उसको मॉडिफाई करना होता है उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में, तो पहले क्या किया जाता है, उसको कट किया जाता है। एलोवेरा का ही सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल एलोवेरा को अगर आपको करना है, एलोवेरा का आपको यूज करना है या जूस निकालना है, तो आप डायरेक्ट एलोवेरा प्लांट से जूस तो निकाल नहीं सकते, सबसे पहले उसको कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद भी उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके आप उसको इजीली जूस निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग कटिंग के लिए क्या होता है, अगर लार्ज स्केल पे अगर बात करें तो कटर मिल का यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे ड्रग को इजीली क्या किया जाता है, कटिंग किया जाता है। और यहाँ पे लिखा है इस लास्ट पॉइंट में लिखा है द ड्रग इज यूजुअली डन टू हासन द ड्राइंग ऑफ ड्रग्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ड्रग मटेरियल को अगर आप कट कर देंगे तो जो उसकी ड्राइंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, ठीक है। किसी भी मटेरियल को अगर स्मॉल स्मॉल पीसेस में आप कट कर देंगे तो उसकी जो ड्राइंग करनी होती है वो क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन की अगर बात करें तो कंप्रेशन में मेनली क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है उस पर किसी भी ड्रग के ऊपर, ड्रग उसमें भी क्या किया जाता है, उसमें भी ड्रग के पार्टिकल, ड्रग को क्या किया जाता है, रेड्यूस किया जाता है, ठीक है, ड्रग को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन अब उसमें क्या किया जाएगा, प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। कटिंग में आपने क्या किया था, किसी भी शार्प नाइफ से या कोई शार्प रूट कटर या कोई अदर शार्प मटेरियल से आपने उसको कट किया था, लेकिन अब कंप्रेशन में क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, आप लोगों को प्रेशर देना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, वो पार्टिकल टूटेगा, ठीक है। अगर इसका इसके लिए क्या होता है, अगर लार्ज स्केल पे इसको देखें तो रोलर मिल का यूज किया जाता है कंप्रेशन के लिए, रोलर मिल का यूज किया जाता है। अगर सिंपल से इसका एग्जांपल देखें, मोर्टार एंड पेस्टल आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करेंगे या कभी भी आप अपने लैब में जाके आपकी लेबोरेटरी में अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे होंगे तो बहुत सारी ड्रग होती है जिसको क्या करना होता है, हमें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी पाउडर फॉर्म कन्वर्ट करने का मतलब है कि हमें साइज रिडक्शन करना होता है। साइज रिडक्शन करना होता है तो आप क्या करेंगे, बेसिकली
मोर्टार में आप क्या करेंगे, मोर्टार में जो भी ड्रग है, जो भी क्रूड ड्रग है, उसको आप रख लेते हैं और पिस्टल की सहायता से उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। अब जैसे ही आप पिस्टल की सहायता से प्रेस करेंगे, जो भी मटेरियल या क्रूड ड्रग होगा वो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, और इजिली टूट जाएगा तो आप इजिली उसका पाउडर बना लेंगे और उस पाउडर का आप उपयोग कर लेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, आप लोगों को इजिली समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, एट्रिशन। द एक्शन आर प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली रेड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ सम वन आर समथिंग थ्रू सस्टेन अटैक आर प्रेशर। इसमें भी मेनली देखिए, प्रेशर इसमें भी लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पार्टिकल से पार्टिकल के क्या होता है, एक तरह से एट्रिशन का मतलब होता है रगड़, ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन होता है इसमें, क्या होता है, पार्टिकल से पार्टिकल का फ्रिक्शन होता है। अगर किसी, अगर उसमें फ्रिक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तभी जाके उस पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, दो चीजों का फ्रिक्शन कब होगा, जब प्रेशर अप्लाई होगा तभी तो फ्रिक्शन होगा, अदरवाइज कैसे होगा। मान लीजिए कि अगर एक पार्टिकल, दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल अगर स्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब दोनों के ऊपर प्रेशर आप अप्लाई करेंगे तब जाके क्या होगा, वो एट्रिशन करेंगे, यानी कि तब जाके वो क्या करेंगे, रगड़, यानी कि तब जाके उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। उसमें क्या होता है, मेनली फ्रिक्शन होता है। द एट्रिशन मील एज डिवाइस ऑन मैकेनिकली रिड्यूसिंग द सॉलिड पार्टिकल साइज बाय द इंटेंस एजिटेशन ऑफ द स्लरी मटेरियल बीइंग मेल्ट एंड कोर्स मिलिंग मीडिया। ठीक है, तो ये एट्रिशन प्रोसेस होता है। एट्रिशन में क्या किया जाता है, मेनली पार्टिकल्स को पार्टिकल के साथ क्या किया जाता है, उसमें रगड़, उसमें क्या होती है, फ्रिक्शन होता है। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सिंपली से मैंने बताया राइस मिल का एग्जांपल, राइस मिल में आपने जब धान को हैमर में डाला, सॉरी हॉपर में डाला, जब आप हॉपर में आप डालेंगे तो उसमें क्या होता है, जो धान होता है उसके बीच क्या होता है, एट्रिशन ही होता है। ठीक है, उस पर एट्रिशन ही होता है। एट्रिशन होने के कारण जो उस पर चावल पे जो कवरिंग होती है, यानी चावल की कवरिंग जो होती है, यानी कि उसको क्या होता है, छिलके क्या होते हैं वो निकलने लगते हैं। अब वो इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है कि वो छिलके निकल जाते हैं। छिलके निकलने के बाद क्या होता है, वो इजिली क्या होता है, चावल बाहर आ जाता है। अब इसमें आप लोग उसको क्या समझ सकते हैं, राइस मिल से आप उसको समझ सकते हैं, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसके पहले, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। आप लोगों कभी देखिएगा, कभी भी आप लोग राइस मिल की तरफ जाइएगा, राइस मिल में कभी धान की कुटाई हो रही वहां पे देखिएगा, उसमें क्या होता है, जो भी चावल निकलता है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा उसमें क्या होती है, हीट होती है। अब हीट क्यों होती है, क्योंकि जो भी हमने धान डाला है उसके लिए क्या है, एक सॉफ्टनिंग टेम्परेचर चाहिए। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर जैसे ही वो मिलेगा, वो उसकी जो कवरिंग होती है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, टूट जाती है। अब टूटने का क्या मतलब होता है कि आपने जब धान डाला तो उसमें क्या होगी, एक हीट जनरेट होती है, और हीट कैसे जनरेट होती है, एट्रिशन के द्वारा। बात को समझिएगा, आप एक हॉपर में, यानी कि आपकी जो राइस मिल की मशीन है चालू हो गई, आपने उसमें धान डाला, अब ये धान बेसिकली क्या होगा, एक दूसरे के साथ एट्रिशन करेंगे। ठीक है, एट्रिशन करें, अब जैसे ही एट्रिशन यानी कि फ्रिक्शन करेंगे, अब और जब ये फ्रिक्शन करेंगे तो क्या होगी, हीट जनरेट होगी। ठीक है, हीट जनरेट होगी। अब जैसे ही हीट जनरेट हुई तो उनका क्या होगा, एक सॉफ्टनिंग टेम्परेचर आ गया, उसे क्या बोलेंगे हम, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। अब उस टेम्परेचर पे जो धान का जो छिलका होगा, धान पे यानी कि चावल पे जो छिलका प्रेजेंट होता है वो इजिली टूट जाएगा, और वो इजिली टूट जाएगा तो चावल इजिली क्या हो जाएंगे, बाहर चले आते हैं। ठीक है, ये होता है उस मिल का, यानी कि आप वो एक तरह से मिल है, राइस मिल, इसका नाम ही समझ लीजिए राइस मिल, चावल के लिए जो मिल बनाई है राइस मिल, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग इजिली वहां पे ये सारी चीजें जो भी हमने साइज रिडक्शन के बारे में बता रहे हैं वहां पे सारे प्रोसेस लगभग लगभग आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, आप लोग कभी नोटिस कीजिएगा। ठीक है, कभी कई बच्चों के कॉलेज में तो कहीं कहीं वो क्या होता है, विजिट कराते हैं लोग, यानी कई कई जगह पे विजिट कराते हैं, बहुत मतलब कई कई जगहों पे लेकर जाते हैं लोग, वहां पे आप अगर जाया कीजिए तो ये सब चीजें नोटिस किया कीजिए कि आपके सिलेबस की चीजें उसमें क्या क्या चीजें हैं। बहुत सारे लोग तो घूमने में ही व्यस्त रहते हैं, अरे घूमने में व्यस्त मत रहा करो यार, उसमें देखो कि अपने सिलेबस के बारे में क्या चीज है, उसको स्टडी कर लो, उसके बाद तो फिर घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मजे लेते रहो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए इंपैक्ट, इंपैक्ट के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो इंपैक्ट क्या होता है, इंपैक्ट अकर्स व्हेन द मटेरियल मोर आर लेस स्टेशनरी एंड इट हिट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड आर व्हेन द मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक ऑन अ स्टेशनरी सरफेस इज आइदर केस द मटेरियल ब्रेक इंटू द स्मॉल पीसेज देयर इज नो एपरेटस विच कैन बी यूज एज स्मॉल स्केल ऑफ द इफेक्ट साइड रिजेक्शन बाई इम्पैक्ट बट ऑन अ लार्ज स्केल हैमर मिल एंड डिस इंटीग्रेटर आर यूज। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या कह रहा है ये पॉइंट समझिएगा, इसमें क्या होता है, आप मटेरियल को एक मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है यानी कि एक स्टेशनरी, इसमें क्या होता है, एक सरफेस होती है,
एक सरफेस है, मान लीजिए कोई बॉक्स टाइप है, बॉक्स की क्या होती है, चारों तरफ से सरफेस है, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे आप, मटेरियल को रख देंगे। मटेरियल को रखने के बाद उस पर क्या किया जाता है, मैकेनिकली फोर्स अप्लाई किया जाता है। मैकेनिकली फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, इंपैक्ट होगा। इंपैक्ट होने का मतलब यह हुआ कि उसपे भी मटेरियल क्या होगा, जब वो आपने जो भी वो बॉक्स लिया है उसकी मटेरियल से, जब उसकी वॉल से जब आपका मटेरियल टकराएगा तो क्या होगा, फाइनली टूट जाएगा, ठीक है, फाइनली टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक तरह से कैसे तरह, एक हैमर की सहायता से, अगर आप एक हथौड़े की सहायता से, अगर वही एग्जांपल मैं आप लोगों को फिर से लूंगा, जैसे सूखी मिट्टी है, अगर आप उस एक हथौड़े से उसको मारेंगे, अगर हथौड़े से मारेंगे तो क्या हो गया, टूट जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एक बॉक्स नुमा क्या होता है, एक क्या होता है आपका इक्विपमेंट होता है, उसमें आप बेसिकली क्या करते हैं, मटेरियल को डाल देते हैं। मटेरियल को डालने के बाद उसमें क्या किया जाता है, मैकेनिकली उसको क्या किया जाए, या तो रोटेट कराया जाएगा या उसमें क्या होगा, फोर्स प्रोवाइड कराया जाए। जैसे ही उसमें मैकेनिकली वर्क या फोर्स होता है तो बॉक्स क्या होता है, मूवमेंट करता है। वो जैसे मूवमेंट करेगा तो उसके अंदर पार्टिकल भी मूवमेंट करेगा, पार्टिकल जैसे ही मूवमेंट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें इजिली टूट जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, इंपैक्ट होता है। ये क्या होता है, छोटे यानी कि ड्रग के केस में देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये छोटे लेवल पे नहीं है, ज्यादातर छोटे लेवल पे यूज नहीं होता है। इसका यूज क्या होता है, बड़े लेवल पे किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को क्रूड ड्रग पता है, एक साथ तो बहुत सारी ड्रग बनती है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी द्वारा ड्रग बनाना है तो वो थोड़ी सी मात्रा में ड्रग तो बनाएगी नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग बनानी होती है। अब बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग बनानी है तो एक साथ उसको बहुत सारे ड्रग की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, इंपैक्ट करना पड़ेगा या उसको साइज रिड्यूस करना पड़ेगा। तो वो क्या किया उसमें, उसका एग्जाम्पल हैमर मिल और बाल मिल, हैमर मिल और बाल मिल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंबाइंड इंपैक्ट एंड एट्रिशन, इट इज बेस्ड ऑन द इंपैक्ट एंड एट्रिशन। इसका एग्जाम्पल है बाल मिल, यानी कि दोनों इंपैक्ट और एट्रिशन। इंपैक्ट का मतलब होता है कि हथौड़े से जैसे जर्क मार के आप किसी फोर्स अप्लाई करके किसी चीज को तोड़ रहे हैं, वैसे यानी बॉक्स में वो टूटेगा भी और उसके साथ एट्रिशन भी होगा, यानी कि उसके साथ पार्टिकल पार्टिकल के बीच में क्या होगा, वो टकराव भी होगा और उससे क्या होगा, आप लोगों का जो भी साइज रिडक्शन होना है वो हो जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं हैमर मिल, हैमर मिल के बारे में हम बात करेंगे। हैमर मिल क्या होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट। याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन में, याद रखिएगा इसको। हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो इंपैक्ट पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ मेटल कॉजिंग इनक्लोजिंग अ कंट्रोल शाफ्ट टू विच द फोर आर मोर स्विंगिंग हैमर्स आर अटैच्ड टू द लोअर पार्ट ऑफ द मिल, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक शाफ्ट लगा होता है, इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो बना होता है इंस्ट्रूमेंट बना, ये इक्विपमेंट बना होता है, उसमें एक शाफ्ट होता है, उसमें फोर या मोर यानी कि या तो चार या तो पांच या कितने भी होंगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा या आपकी मिल के ऊपर डिपेंड करेगा, किस टाइप की मिल आपने उसको बनाई है या किस टाइप की मिल आप यूज कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे क्या लगे होते हैं, हैमर लगे होते हैं। हैमर लगे होने के कारण क्या होता है, कंसिस्ट ए स्क्रीन थ्रू विच द मटेरियल आर कैन पास रिसीवर विच डिस्क्रीट द साइज रिडक्शन इज रीच्ड। इसमें क्या होता है, आपका जो भी इक्विपमेंट है उसमें एक शाफ्ट लगाता है, उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, हैमर लगे होते हैं। उसमें चार होंगे मेनली, या चार से ज्यादा भी हैमर हो सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसमें मटेरियल को डाल देते हैं। जैसे ही आप मटेरियल को डालते हैं तो हैमर, जब आप उसको क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, जब मशीन आपकी एक्टिव होती है तो हैमर की सहायता से मटेरियल पे क्या किया जाता है, उस पर किया जाता है, इंपैक्ट किया जाता है, यानी उसको क्या कहते हैं, टकराते हैं। मटेरियल जाके हैमर से टकराते हैं या हैमर मटेरियल से टकराते हैं, दोनों बातें की है। उसमें क्या होगा, आपका जो मटेरियल का होता है वो पार्टिकल साइज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। नीचे एक क्या लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीनिंग या सीयू, आप लोग आगे पढ़ेंगे सीयू के बारे में, उसमें स्क्रीन लगी होती है। स्क्रीन की सहायता से आप जो भी पार्टिकल का जो साइज रिड्यूस हुआ है उसको आप क्या कलेक्ट हैं, अलग कलेक्ट कर लेते हैं। अब कलेक्ट करने के बाद जो भी आपको फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बनाना होता है उसको आप मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ द हैमर मिल, हैमर मिल कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। द मटेरियल इज पुट इन टू द हॉपर, सबसे पहले मटेरियल को हम हॉपर में डालेंगे। उसके बाद विच इज कनेक्टेड विद द ड्रम, द मटेरियल इज पाउडर टू द डिजायर साइज ड्यू टू द फास्ट रोटेशन ऑफ द हैमर इज कॉल्ड अंडर द स्क्रीन। द मिल हैज एडवांटेज ऑफ द कंटिन्यूअस ऑपरेशन बिकॉज द चांस ऑफ जैमिंग इज लेस एज द हैमर आर नॉट फिक्स्ड। द मटेरियल कैन प्रोडक्ट कोर्स्ड टू मॉडरेटली फाइन पाउडर। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली वही होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट के अंदर क्या होता है, हैमर कनेक्ट होता है और हैमर के नीचे क्या होती है, स्क्रीन लगी होती है, उसी मटेरियल उसी इक्विपमेंट में स्क्रीन लगी होती है। उसमें क्या करते हैं, आप हॉपर में मटेरियल को डालें, जैसे ही आप हॉपर को डालेंगे उसके बाद से
आप मशीन को एक्टिव कर दीजिए, मशीन जैसे ही एक्टिव होगी तो वो क्या करेगी, पार्टिकल को रेड्यूस, पार्टिकल साइज को रेड्यूस करती जाएगी और उसको स्क्रीन की सहायता से आप प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसको समझ, बिकॉज द चांस ऑफ जैमिंग इज लेस एज द हैमर आर नॉट फिक्स्ड मटेरियल। यानी कि इसको कहने का मतलब ये हुआ, जैमिंग का मतलब होता है रुकावट, रुकावट कम हो जाती है जब आपका मटेरियल हैमर के साथ क्या होता है, अटैच नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप कोई स्टिकी मटेरियल ले लेते हैं, अगर स्टिकी मटेरियल ले लेंगे तो वो हैमर पे अटैच हो जाएगा, अगर हैमर पे अटैच हो गया तो आपका साइज रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहां तक तो आप इजली समझ लेंगे, यही पॉइंट है आप लोगों को थोड़ा समझना होगा, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप स्टिकी मटेरियल ले लेंगे तो वो हैमर पे अटैच हो जाएगा, अगर हैमर पे अटैच हो गया तो आप उसको इजली उसको पार्टिकल रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट बात करें, ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द ऑपरेशन हीट इज जनरेटेड विच में इफेक्ट द थर्मो देमसेल्व्स ड्रग और मटेरियल मोर इवर हाई स्पीड और ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, जो हैमर होता है बहुत ही तेज स्पीड से चलता रहता है। अब हैमर तेज स्पीड से चलेगा, मटेरियल भी उससे ज्यादा टकराएंगे और जब टकराएंगे तो हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होगी अगर कोई थर्मोलेबाइल सबस्टेंसेस है तो क्या हो जाएगा, वो उससे डिटेरियोरेट हो जाएगा या खराब हो जाएगा या अपना जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वो आपके काम का नहीं होगा, इसलिए इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कितने देर तक मिल को, और इसीलिए फीड साइज और कितना आपको मटेरियल प्राप्त करना है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आप ज्यादा फीड साइज कर देते हैं तो भी जो हैमर आपकी जो मिल है वो भी खराब हो जाएगी, इसलिए बहुत ही ज्यादा आप लोगों को ध्यान से इस चीज को परफॉर्म करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, तो चलिए एडवांटेज देख लेते हैं। इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट ग्रेड ऑफ द पाउडर। इसमें जो भी पाउडर आपको मिलेगा वो इंटरमीडिएट ग्रेड का मिलेगा। ठीक है, एकदम फाइन पाउडर तो नहीं मिल पाएगा, इंटरमीडिएट टाइप का होगा। इट कैन बी ऑपरेटेड कंटिन्यूअसली। इसको क्या किया जाता है, कंटिन्यूअस ऑपरेट किया जाता है, जब तक कि आपका मटेरियल का साइज रिडक्शन नहीं हो जाए तब तक वो आपको कंटिन्यूअसली चलाना होता है। इट इज इफेक्टिंग इन द फंक्शन एंड कैन ग्राइंड डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप मटेरियल, जो भी सॉलिड मटेरियल्स हैं उसके क्या करते हैं हम, इससे साइज को रिड्यूस किया जाता है। डिसएडवांटेज, ड्यू टू द हाई स्पीड हीट इज जनरेटेड। यानी कि अगर हाई स्पीड से चल रहा है तो हीट क्या होगी, जनरेट होगी। इट इज नॉट सुटेबल फॉर द हीट सेंसिटिव मटेरियल। इसलिए ये हीट सेंसिटिव जो भी मटेरियल है यानी कि थर्मोलेबाइल सबस्टेंसेस है उसके लिए ये बहुत ज्यादा ही एडवांटेज, यानी कि बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। आप इसमें डिसएडवांटेज में एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि अगर कोई मान लीजिए स्टिकी सबस्टेंस है उसके लिए भी ये एडवांटेज का रोल नहीं प्ले कर पाएगा। इसकी डिसएडवांटेज यही है कि स्टिकी मटेरियल का ये इंपैक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि साइज रिडक्शन नहीं कर पाएगा। यह भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, बाल मिल। बाल मिल बहुत बार क्वेश्चन इस पे आया है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, और सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल होता है बोथ इंपैक्ट एंड एट्रिशन। इसमें इंपैक्ट भी होता है और एट्रिशन भी होता है। यानी इंपैक्ट का मतलब होता है कि इसको डायरेक्ट भी तोड़ा जाता है, यानी डायरेक्ट जो पार्टिकल होगा वो मेटल की दीवारों से लड़के टूटेगा और उसके अलावा वो फ्रिक्शन के द्वारा भी टूटेगा। ठीक है, अब आइए इसको हम एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो सिलेंडर विच इज माउंटेड अ मेटेलिक फ्रेम। इसमें क्या होता है, एक हॉलो सिलेंडर होगा जिसमें क्या होगा, मेटेलिक फ्रेम लगा हुआ होता है। आप लोगों को बताया था मैंने कि एक बॉक्स नुमा होता है, उसमें क्या होता है, मेटेलिक फ्रेम लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इन सच अ वे दैट इट कैन बी रोटेट ऑन इट एंटी सॉरी इट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यह रोटेट करता है, क्लॉकवाइज यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्गिट्यूडनल, आप लोग लॉन्गिट्यूडनल का मतलब समझ रहे होंगे, यानी परपेंडिकुलर होता है एक तरह से, परपेंडिकुलरली आप हैं तो उसके परपेंडिकुलरली आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, रोटेट करता है, यानी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। द सिलेंडर कंटेन्स बाल द ऑक्यूपेंसी 30-50% ऑफ द मिल। अगर आपने इसकी मिल बनाई है उसमें अगर जो बॉल होगी उसमें क्या होता है, बॉल्स लगे होते हैं, बॉल मिल में क्या होता है, बॉल होते हैं, वो जो बॉल हो गए वो 30-50% मिल का कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बॉल आर मेड अप ऑफ द मेटल एंड आर यूजुअली अलाइंड विद द क्रोम। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सम टाइम द सिलेंडर ऑफ द बॉल मिल इज लाइंड विद द रबर एंड पोर्सिलिन। जो भी बॉल है वो मेटल्स की बनी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, मेटल्स की बनी होगी, और जो आपकी मेटल्स की दीवारें बनी हुई हैं यानी जो बॉक्स नुमा आपका जो भी इक्विपमेंट बना है उसकी जो दीवारें होंगी, या तो क्रोम एक मेटल होता है उसकी लाइनिंग होगी, या तो वो रबर या पोर्सिलिन की बनी हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, वर्किंग ऑफ बाल मिल। अब बाल मिल कैसे वर्क करता है इसको आप लोग समझिएगा, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है
इसको समझ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, इसके आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आप लोगों को मैं पूरा बताऊंगा इसके बारे में अच्छे से। हाँ, एक चीज और, अगर आप लोगों को कुछ जो समझ में ना आ रहा हो या कुछ लोगों का आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिए कि सर ये इस पॉइंट हमें समझ में इजिली नहीं आ पाया है, अगर हमें हम इसको अगर कवर कर सकते हैं तो इसको एक बार फिर दोबारा सभी लोगों के क्वेश्चंस को एक बार कवर करेंगे जरूर, लेकिन आप लोग उसको कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। ठीक है, वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हर एक चीजें समझ में आ जाए, एग्जाम्पल भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एग्जाम्पल से भी कोशिश चीजें जो भी हैं वो समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, वर्किंग ऑफ बॉल मिल देखते हैं। वर्किंग ऑफ बॉल मिल की अगर बात करें, द ड्रग टू बी राउंड टू पुट इनटू द सिलेंडर ऑफ द मिल एंड इट रोटेट द स्पीड ऑफ रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज लो द मास ऑफ द बॉल विल स्लाइड ऑन रोलर ईच अदर एंड ओनली अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइज रिड्यूसिंग एट हाई स्पीड द बॉल मिल विल बी थ्रोन आउट ऑफ द वॉल बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्राइंडिंग बट एट अबाउट 2/3 ऑफ द स्पीड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट अकर्स विद द रिजल्ट डेट द बॉल आर कैरिड आउट मोस्ट ऑफ द टॉप ऑफ द मिल एंड द फॉलन बाई द वे द मिक्स साइज रिडक्शन इज अफेक्ट बाई एट्रीशन आफ्टर अ सुटेबल टाइम द मटेरियल इज टेकन आउट एंड पास थ्रू अ सीव गेट पाउडर इज रिक्वायर्ड साइज। ठीक है, अभी तो मैंने इंग्लिश में बोला, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, चलिए इसका मतलब समझाते हैं क्या इसका मतलब होता है। तो इसमें बॉल मिल में क्या होता है, आपका बॉक्स नुमा क्या है, इक्विपमेंट है, उसमें आपने बॉल रख दिया है। अब बताइएगा कि बॉल कितना परसेंट ऑक्युपाई करेगा, तो बॉल ऑक्युपाई करेगा 30-50%। ठीक है, 30-50% बॉल हो गए। अब उसमें क्या करेंगे, आप मटेरियल को प्लेस कर देंगे। अब उसमें देखिए तीन चीजें होती है, पहला तो वो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसमें अगर स्पीड में, अब उसमें स्पीड अगर मान लीजिए जो आपका जो रोटेशन की स्पीड है अगर बहुत स्लो है तो वो जो भी आपका मटेरियल होगा वो जहां पे रहेगा वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, वो ज्यादा उसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा मिक्सिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको हाई स्पीड से करेंगे तो बहुत ज्यादा हाई रेट से वो क्या होगी, चलेगी, जिससे आपका जो बॉल होगा वो क्या करेगा, उसका वेट ज्यादा होगा, और उसका वेट ज्यादा होने के कारण वो क्या करेगा, जो मेटल है, मेटल की जो लाइनिंग उसके सरफेस पे ही बस वो क्या करेगा, राउंड करेगा, तो जिससे वो भी आपके पार्टिकल को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। और पूरी स्पीड का अगर टू बाई थ्री ऑफ द स्पीड यानी कि 2/3 यानी कि पूरा जो स्पीड आपकी है उसकी 2/3 आप स्पीड लेते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें अच्छी आपकी साइज रिडक्शन प्रोसेस होगी। कैसे, आप एग्जांपल से समझिए, इससे समझ में नहीं आया होगा, आप एग्जांपल समझिए। आप लोगों ने देखा होगा मकान बनते हैं तो उसमें क्या होता है, जो मशीन आती है उससे क्या किया जाता है, उसको जब ढलाई करनी होती है यानी छत वगैरह की लदाई होती है तो उसमें क्या किया जाता है, मशीन आती है उसमें क्या बनाया जाता है, जो भी उसका मटेरियल उसको तैयार किया जाता है। अब देखिए पहले क्या होता है, मटेरियल तैयार किया जाता है तो उसमें बेसिकली क्या, उसमें आपका जो भी है, पहले तो आपका जो भी सैंड है या मानी कि बालू, आप लोग समझिएगा, बालू है, सीमेंट है और जो भी गिट्टी वगैरह होते हैं उसको क्या किया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है, उसके साथ उसको पानी मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद जो भी वो रोटेट करता है, देखते होंगे आप लोगों ने क्लॉकवाइज रोटेशन करता रहता है, क्लॉकवाइज रोटेशन उसका होता रहता है और मिक्सिंग परफॉर्म होती रहती है। उसमें क्या होती है, बेसिकली मिक्सिंग परफॉर्म होती है, इसी प्रकार साइज रिडक्शन में होता है। बस ये हम आपको स्पीड की बारे में बता रहे हैं, वो तो मिक्सिंग में आप उसको समझेंगे वो बात की बात है, लेकिन आप इसको स्पीड से समझिएगा। स्पीड से अगर मान लीजिए मंगल, अगर आप उसको मान लीजिए कि जो भी उसका रोटेशन हो रहा है अगर बहुत ही स्लो मोशन में रोटेशन उसका हो, स्लो मोशन में अगर रोटेशन होगा तो जो भी उसका मटेरियल है उसका एक ही जगह पे मटेरियल रह जाएगा। ठीक है, मटेरियल एक ही जगह पे रह जाएगा, वो ज्यादा दूर तक उस बॉक्स में नहीं या उस जो भी आपका इक्विपमेंट है उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा और वहीं पॉइंट मटेरियल रह जाएगा और पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर उसको हाई स्पीड से कर दिया जाएगा, हाई स्पीड से अगर कर दिया जाए तो उस पर बहुत ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण उसमें जो भी मटेरियल है वो बाहर निकलने लगेगा, ये भी होगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए उसमें क्या किया जाता है, तो उसकी अगर प्रॉपर उसका देखा जाए, प्रॉपर उसका जो मीडियम यानी कि मीडियम स्पीड रखी जाए तो उसमें मिक्सिंग बहुत अच्छी प्रॉपर होती है। लेकिन आप लोगों ने जब देखा होगा उसको
उसकी जो स्पीड है वो स्लो कर दी जाती है। कब? जब आप उसको वापस मटेरियल को निकाला जाता है तो उसकी स्पीड जो होती है स्लो कर दी जाती है। आप लोग उसको देखिएगा, उस समझ में आप लोगों को आएगा। चलिए आप इजली सा एक अपने आप एग्जांपल परफॉर्म कीजिए। आप एक बाउल बाउल ले लीजिए, ठीक है, बाउल ले लीजिए, उसमें क्या कीजिए, ग्लास ग्लास की एक ग्लास बाउल ले लीजिए। अब क्या कीजिए, बाउल को धीरे धीरे रोटेट कीजिए। आप धीरे धीरे उसको क्या कीजिए, रोटेट कीजिए बाउल को। अगर आप धीरे धीरे रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आपकी ग्लास की जो बॉल है वो एक ही जगह पे, यानी बीच में ही है, एक ही जगह पे वो क्या हो रही है, बस घूम रही है, एक ही जगह पे घूम रही है। सेम ऐसे क्या होता है, बाल मिल में होता है, जब वो धीरे धीरे स्पीड से होता है तो एक ही जगह बाल होती है। अब देखिए, अब क्या कीजिए, आप अपने बाउल को तेजी से रोटेट कराइए। जब आप उस बाउल को तेजी से रोटेट कराएंगे तो जो आपकी ग्लास बॉल होगी वो पूरी तरह से दीवारों से होती हुई धीरे 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 वो बाहर निकल जाएगी, आपके बाउल से बाहर निकल जाएगी। आप देखिएगा इसको परफॉर्म करके, क्यों बाहर निकली, क्योंकि उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब वो फोर्स के कारण जो भी वो ग्लास की बॉल होगी वो क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। इसी प्रकार होता है हमारे बाल मिल में। अगर ऐसा हुआ तो जो भी हमारी बॉल है मिल में, जो भी बॉल है वो क्या करेंगी, जो हमारा इक्विपमेंट है यानी जो भी हमारा बॉक्स वाला मटेरियल है उसकी दीवारों पे बस लग जाएगा, दीवारों पे ही वर्क करेगा, ठीक है, बीच में वर्क नहीं करेगा। अब क्या करेंगे, मीडियम साइज में अगर आप बाउल को घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ग्लास बॉल जो है वो बाउल में ही रहेगी, दीवारों पे भी चिपकी रहेगी, कभी कभी बीच में भी आएगी और प्रॉपर रहेगी। तो यही होता है बाल मिल में। आप इसको परफॉर्म कीजिएगा घर पे, ये इजी एक्सपेरिमेंट है, अब बाउल से ही इस चीज को पूरा समझ लेंगे। अब क्या होता है बाल मिल में, मीडियम साइज से रोटेशन किया जाता है उसको। अब उसमें क्या किया जाता है, मटेरियल को मिला दिया जाता है। तो जब मीडियम साइज से होता है तो जो भी हमारा मटेरियल है वो कभी कभी जो मिक्सिंग एपरेटस का जो एपरेटस होता है, बॉक्सिंग होती है, उससे भी टकराता है, और कभी कभी बाल से भी टकराता है, कभी कभी अपने से भी टकराता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इंपैक्ट और एट्रिशन जो होता है वो दोनों एक ही साथ वर्क करता है, जिससे साइज रिड्यूस हो जाता है। और साइज रिड्यूस होने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा कलेक्टर होता है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा, बाल मिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑफलाइन क्वेश्चन होगा तो ये क्वेश्चन तो पक्का आना ही है, और आता है, बार बार आया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। और उससे ऑनलाइन में भी अगर क्वेश्चन होगा तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको ट्रिक मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम एडवांटेज देखते हैं इसका। इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, इससे क्या किया जाता है, वेरी फाइन पाउडर हम प्राप्त कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन, इसमें भी कंटिन्यूअसली ऑपरेशन किया जाता है जब तक कि आपका पूरा साइज रिडक्शन ना हो जाए। इफ सीव आर क्लासिफाइड टू अटैच टू द बाल, ठीक है, इसमें सीव यानी कि अलग अलग टाइप के क्लासिफाई, यानी जब आप सीव पढ़ेंगे उसमें भी आप लोगों को आएगा, उस टाइम आपको क्लियरिफाई हो जाएगा किस तरफ से सीव इसमें लगाई जाती है। द सुटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्रग ग्राइंडिंग प्रोसेस, ये सुटेबल होता है वेट और ड्रग ग्राइंडिंग, यानी कि वेट में भी वेटली भी बहुत ज्यादा सुटेबल होता है, बहुत ज्यादा वेट का भी इसमें ओके ग्राइंड किया जा सकता है और ड्रग ग्राइंडिंग की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर डिसएडवांटेज की बात करें, द बॉल मिल इज अ वेरी नॉइज, यानी बहुत ही नॉइजफुल होता है ये सर, बहुत नॉइजफुल होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बॉल होती है उसमें क्या करती है, मेटल, आप लोग बताया मेटल की होती है, अब मेटल से जब वो टकराएगी तो क्या होगी, आवाज तो आएगी, तो जब आवाज आती है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इसका ये डिसएडवांटेज होता है। वियर्स अकर्स फ्रॉम द बॉल एज वेल एज फ्रॉम द केजिंग विथ मे रिजल्ट्स कंटेमिनेशन, यानी कभी कभी क्या होता है, बॉल्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, बॉल अगर टूट जाएगा तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, इसका भी ये भी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये हो गया बाल मिल। तो यहां तक हमने आज यूनिट नंबर 1 खत्म कर लिया है, इसके बाद हम यूनिट नंबर 2 फर्दर पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 आप लोगों की क्या है, आप लोगों को पता होगा साइज सेपरेशन, ठीक है। तो आगे हम यूनिट नंबर 2 साइज सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम होगी आप उसको कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।